रोहित, अब से थोड़ी देर पहले गवर्नर ने यह कहा था वो जीवित है, लेकिन लेटेस्ट स्थिति के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए गौरव, जो जो न्यूज आ रही है वो ऑब्वियसली आ रही है कि ही इज अलाइव। इनफैक्ट वहां पे भी थोड़ी देर पहले, रोहित क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मेरे को आपका आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो जी रोहित, आपकी आवाज आ रही है। आप सलमान रुश्दी की हालत के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? हम वो तस्वीरें देख रहे थे जब पहले उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाना पड़ा। जी जी बिल्कुल, उनकी नेक में जो है स्टैब किया गया, उसके बाद जब वहां से एक विटनेस ने ये भी कहा कि ही वॉज ट्राइंग टू वॉक, मतलब वो वॉक कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। और अभी तक जो जानकारी वो यही है कि ही इज ओके, ही इज अलाइव। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि वहां पे क्या चल रहा है, लेकिन हमें अटकलें लगानी भी नहीं चाहिए गौरव। लेकिन एज फार एज आई नो, जहां तक वहां के विटनेसेस जो वहां पे मौजूद थे उनका ये कहना है कि व्हेन ही वाज एयरलिफ्टेड ही वाज ओके। अब ये ओके की स्थिति क्या कुछ हो सकती है, बदल सकती है, क्रिटिकल स्टेज में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं पता नहीं गौरव, लेकिन एज फार एज वी ऑल नो एवरीबडी इज कंसर्न इन पेइंग फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। लेकिन अभी तक अंदर क्या चल रहा है वहां पे हॉस्पिटल में, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी, आई मीन देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, ही मे हैव और ही मे नॉट हैव, उन चीजों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं। और शायद थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि जहां तक मेरी जानकारी शायद 1:30-2 बजे के आसपास, माफ कीजिएगा 2:30 या 3:30 के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें शायद हमें कुछ पता चल पाए। ठीक, क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि एक नहीं एक से अधिक बार उन्हें छुरा मारा गया, और एक गर्दन के पास और कुछ और छुरे की इंजरीज भी है। लेकिन उम्मीद यही, प्रार्थना यही कि गंभीर चोटें ना हो। वो खुद चलकर जाने का प्रयास कर रहे थे आप कह रहे हैं, लेकिन फिर उनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया और अभी ये कहा जा रहा है वो जीवित है। प्रत्यक्ष दर्शियों से, आई विटनेसेस से क्या पता चल पाया है वहां के लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में? देखिए जब उन्हें टैप किया गया तो ऑब्वियसली यू नो वहां पे देखा गया कि देवर पीपल यू नो जिनके पास टॉवल थे जो ब्लड को जो है वाइप करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ वहां पे ऑब्वियसली जब उनके नेक में उनको जब स्टैब किया गया, आपने भी, हम सब ने तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखे हैं किस तरह से जल्दी से वहां पे मेडिकल इमरजेंसी हुई। तो जहां तक वो वहां से जब तक वो हेलीकॉप्टर में गए गौरव, वहां तक यू नो एवरीबडी सेड ही हैड अ पल्स, ही वॉज ब्रीदिंग, ही वॉज ओके। लेकिन हेलीकॉप्टर में क्योंकि उन्हें लेके जाया गया है, तो कहीं ना कहीं देर इज दिस मेडिकल इमरजेंसी की वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हमारे साथ तारिक फतेह जी भी है, लेकिन रोहित उससे पहले एक छोटा सा, क्या हमको हमलावर के बारे में कुछ पता चल पाया है? अभी तक गौरव, एवरीबडी इज वेटिंग ऑन दैट। अनफॉर्चुनेटली मैं व्हाइट हाउस के एक ब्रीफिंग में था, तो आई वॉज नॉट एबल टू डायल माई रिसोर्सेज, बट एज फार एज वी नो यू नो वन दे आर डूइंग सम सर्च ऑन हिज होम। उनके जो घर है हमलावर के, वहां पे कुछ सर्च चल रही है। आई एम अज्यूमिंग इट्स FBI, लेकिन एज सून एज आई नो ऑब्वियसली आई विल लेट यू नो गौरव। रोहित हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तारिक फतेह साहब, हमलावर के घर तक पुलिस पहुंच गई है, तो इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिर इस हमले का मकसद क्या था, वजह क्या थी, लोन वुल्फ अटैक या फिर कोई सोची समझी साजिश। देखिए ये इस हमारे जो पूरा सोच है कट्टरपंथी मुसलमानों की, उसमें लोन वुल्फ हो, अलकायदा हो, आईसिस हो, ये सब नहीं है। आपने हिंदुस्तान में नहीं देखा सर तन से जुदा का पूरा वावेला, किसी की भी गर्दन कोई भी काट सकता है। तस्वीर तो आ गई उस शख्स की, आप खुद देख लीजिए, आप बता देंगे कि ये कहाँ का है। अब लो हमें ऐसे केयरफुल लेना पड़ता है कि पुलिस ने कहा या नहीं कहा। मुझे तो शक्ल से पाकिस्तानी नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा है तो कोई हिंदुस्तानी होगा। लेकिन जब तक ये बात को कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा कि इस 21वीं सदी में कोई शख्स अगर गुफ्तगू करता है और उससे आपको बुरा लगता है, तो आप भी गुफ्तगू करिए, आप भी कुछ लिखिए, आप भी पढ़िए। आपकी बदनसीबी कि आप लिख नहीं सकते, तो बाकी लोग क्यों सफर करें। और ये जो किताब थी, मैं तो सलमान रुश्दी की बात कर रहा हूं कि वो ईरान में किसको समझ में आएगी जहां लफ्ज चमचा का इस्तेमाल हो, हिंदी के इस्तेमाल वर्ड हो रहे हों, आपको समझ में ना आए, आप पढ़ ना सकें। इसका ये मतलब है कि जो मौलवी बैठा हुआ कह दे कि ये तो गुस्ताख रसूल हो गया, आप चल पड़े जी। देखिए ये सारा मसला ये है कि जब तक के इस बीमारी को कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा, ये चाहे हिंदुस्तान में मारा जाए दर्जी या सलमान रुश्दी को छुरी से हमला किया जाए,
ये होता रहेगा और हम ढक छुप के डर के मारे यही कहेंगे कि किसी तरह कोई नाराज ना हो जाए हमारे हरकत से। अरे आपको किसी के लिखने पे एतराज है, आप अपना लिखिए जी। अब से थोड़ी देर पहले तारिक फतेह साहब, मेरी तस्लीमा नसरीन से बात हुई थी और तस्लीमा नसरीन ने कहा कि ये डर मुझे भी लग रहा है। उनका ये कहना था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड में अमेरिका में रहते हुए सलमान रुश्दी अगर सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगी, उन्हें उनकी जान का खतरा सता रहा है। क्या ये डर इस समय उचित है, उनका उनको उनका उनका ये डर? मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने ये इस्लामिक कट्टरपंथी हैं इनका असल खौफ होना चाहिए उन मुसलमानों को जो 21वीं सदी की दौर में रहना चाहते हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, आर्ट बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, शायरी करते हैं, जिन लोगों की बदनसीबी यह है कि उनकी जिंदगी में कोई खुशी आएगी नहीं, जिनके चेहरों पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। आप तस्लीमा नसीम को मार देंगे तो क्या हो जाएगा जी? मुझे यहाँ सड़क के ऊपर आम आते जाते लोग कहते थे टोरंटो शहर में, कनाडा में, कह रहे तुझे तो मैं गोली से मार दूंगा, तो मैं क्या डर जाऊंगा क्या? अरे मारना मार दो, अब 72 की एज में मारोगे मुझे, 25 में मारते को तो फायदा भी होता। ये इससे डरने वाले हम नहीं, लेकिन बाकी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि क्या बीमारी आ गई सर के अंदर कि कत्ल के अलावा कोई सूझता नहीं किसी को। ये बड़ा प्रश्न आप उठा रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न आप उठा रहे हैं कि ये डर चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, हर जगह इस तरह का डर है।